हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज हमारे पास है दोस्तों ये रेडमी का 6A मॉडल, जिसमें कि प्रॉब्लम है इसके जो EMI नंबर है वो करप्ट हो चुके हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ, *#06#। और जैसे हमने टाइप करा इस पे लिखा है अनेबल टू गेट EMI, यानी कि दोस्तों इसके जो EMI नंबर है वो करप्ट हो चुके हैं। और अब मैं आपको सेटिंग से भी चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें सेटिंग ओपन कर लेनी है, फिर अबाउट, उसके बाद आल स्पेसिफिकेशन, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद ये EMI स्लॉट 1। आप देख सकते हैं दोस्तों अननोन है, और सेकंड वाला भी हमारा अननोन है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपके पास भी ये सेम मॉडल आए और सेम प्रॉब्लम हो तो आप इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले हमें UMD डोंगल कनेक्ट कर लेना है अपने PC में। आप देख सकते हैं हमने UMD डोंगल कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें UMT का सेटअप अल्टीमेट मल्टी टूल MT के दोस्तों ये सेटअप हमें ओपन कर लेना है, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर MediaTek का CPU है दोस्तों। तो हम इस सेटअप को ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा सेटअप है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये पैच मोडेम NV फॉर्मेट Redmi 6 और 6A, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है, इस ऑप्शन के ऊपर, और एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फ़ोन को बैटरी है जो एक बारी डिसकनेक्ट कर लेनी है, और फिर से ही कनेक्ट करनी है। हमने जो बैटरी है वो डिसकनेक्ट करके लगा दी है। उसके बाद हमें वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करना है, और डाटा केबल इंसर्ट करनी है। तो देख सकते हैं जैसे हमने वॉल्यूम प्लस और माइनस दबा के डाटा केबल इंसर्ट करी, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। तो हमें वेट कर लेना है फ्रेंड्स। यस के ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सक्सेस हो चुके हैं, हमारे NV रैम और NV डाटा फॉर्मेट हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फ्लैशर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें टूल FRP ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और या मीटा ओल्ड है तो हमें मीटा न्यू सेलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें EMI टाइप करना है जो कस्टमर के है। फ्रेंड्स जो कस्टमर के EMI है वो हमने कस्टमर से पहले ही ले लिया है, जो उनके बिल के EMI है। तो ये EMI नंबर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कस्टमर के EMI है। तो इन्हें हमें कॉपी करके उनमें पेस्ट करना होगा। तो फर्स्ट हमने कॉपी कर लिया, और फिर हम पेस्ट करेंगे, सेकंड कॉपी करेंगे, और फिर से पेस्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है, रिपेयर वाले ऑप्शन पे, और यस के ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स फिर से हमें वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के डाटा केबल इंसर्ट करनी है फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है फ्रेंड्स, इसमें हमें डुअल EMI रिपेयर करने के लिए फ्रेंड्स, इसमें एक हमें रेजिस्टेंस रिमूव करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो कि फ़ोटो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। आपको सेम वही रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद फिर ये प्रोसेस आपको करना है फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप डुअल EMI रिपेयर कर पाओगे, नहीं तो आपके डुअल EMI रिपेयर नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें फिर से एक बारी बैटरी का जो पत्ता है इसको डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करना है, हमने कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें वॉल्यूम प्लस माइनस फिर से ही दबाने हैं, और डाटा केबल इंसर्ट करनी है। थोड़ा जूमिंग करना, पत्ते में दिक्कत है थोड़ी इसके।
तो फ्रेंड्स हमने बैटरी है वो डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें वॉल्यूम प्लस माइनस दबाना है और जो डाटा केबल है वो इंसर्ट करनी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने डाटा केबल है जो इंसर्ट करी, हमारी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। तो हमें वेट कर लेना है फ्रेंड्स। अगेन फ्रेंड्स हमें फिर से ही एक बार रिपेयर के ऊपर क्लिक करना है और यस के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो प्रोसेसिंग है वो हमारी चल रही है। तो हमें वेट कर लेना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे ईएमआई नंबर है वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है फ्रेंड्स, और जो हमारा फ़ोन है वो ऑन भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो हम चेक करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद हमें डायलर पे जाना है, फिर से अगेन एक बारी कोड डाल के देखेंगे *#06#। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे IMEI है वो सक्सेसफुली रिपेयर हो चुके हैं। और फ्रेंड्स इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो फ्रेंड्स जो दर्शक हमारा LED TV रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 0-2 एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।